रास्ता है भाई, क्या रास्ता है दोस्तों। ये आ गया डिंडी डैम। दोस्तों हम हैं अभी श्री सैलम डैम के ऊपर। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज हम जा रहे हैं श्री सैलम और मेरे साथ है शिवांशु। हेलो 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 हेलो। श्री सैलम तो हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं। हाँ, तो श्री सैलम तो हम पहले देख चुके हैं, सब लोगों ने देखा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपको डैम दिखाएं इस बार डैम दिखाएं। और आज तो वैसे भी सैटरडे है, बहुत भीड़ होगी आज। तो आज सैटरडे है, भीड़ होनी ही होनी है। मौसम सुहाना है, सैटरडे है, सब कुछ मिल मिला के भीड़ होनी होगी आज तो। चलो दोस्तों दिखाते हैं आपको आगे। टाइगर सफारी भी पूछा था मैंने कॉल करके। हाँ, वो कह रहे सर अब बंद हो गया, अब अगले साल शुरू होगा वो। अच्छा, बल्कि ऑन द वे बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप लोग दोस्त कभी आए यहाँ पे तो चटाई वटाई लेके अपना बैठ के पिकनिक बनाओ। पिकनिक वाला सिस्टम दिखाएंगे अभी, वो भी दिखाएंगे आगे। अगले 3 दिन का तो फोरकास्ट ही है। हाँ, 3 दिन तो रेड अलर्ट है। दोस्तों हम पहुंच गए अभी डिंडी डैम है। चलो दिखाएंगे आपको डिंडी डैम। हमने भी पहले कभी रास्ते से गुजरे, हम कभी गए नहीं। और इस बार इसमें पानी भी गिर रहा है ना। पानी भी बहुत अच्छा, वहाँ से पानी भी गिर रहा है ना इसमें। मैजिकल फॉल्स का नाम दिया है मैंने उसे। अच्छा अच्छा, तो हमारी बात तो मानेगा। क्या मैजिक होता है? अरे देखना, बहुत मैजिकल है सच में। मतलब कुछ मैजिक जैसा क्या है? तो बेसिकली उसमें क्या है ना, वो एक नेचुरल डैम जैसे हमने देखे हैं जनरली, वैसा डैम नहीं है। हाँ। छोटा डैम है, छोटा डैम। हाँ। जैसे छोटा डॉन होता है तो छोटा डैम छोटा डैम तो उसमें बहुत बड़े एरिया में पानी धीरे धीरे गिर रहा है। अच्छा, ऐसे रश नहीं कर रहा है। हाँ। तो बहुत सुंदर लगता है। सही है, छोटा डैम सही वर्ड, छोटे डॉन की तरह छोटा डैम। छोटा डैम, चलो देखते हैं अभी चढ़ के ऊपर। पहुंच गए, 1-2 किलोमीटर रह गया बस। दोस्तों ये आ गया डिंडी डैम, देखिए अभी ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। जैसे चांदी गिर रही हो। जैसे चांदी गिर रही है, सही में चांदी है यार ये नॉर्मल दिन में नहीं दिखता, ये बरसातों में दिखेगा बस ऐसा। वाह क्या सही दिख रहा हूँ। अरे बहुत भीड़ है यार। हाँ तो ये तो रेयर साइटिंग है ना। हाँ यार, ऐसा आपको हमेशा नहीं मिलेगा देखने को। हम तो आए बहुत इधर, मगर आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है ये। सही है। What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. मैजिकल, सही बोल रहा था तू। मैजिकल फॉल। हाँ सही नाम दिया तूने। इसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो है लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है। अच्छा। और इस पूरे एरिया को पानी मिल रहा है। अच्छा, उठा दिया है लिफ्ट इरिगेशन के लिए। सही है सही है। और डिंडी रिवर है ये। डिंडी रिवर ना, डिंडी रिवर पे डिंडी डैम। डिंडी डैम आज एक्चुअली पूरा भरा हुआ है, वैसे रहता नहीं इतना। क्या कहना चाहते हो भाई आप इसके बारे में? मैं कहना चाह रहा कि हम आए तो बहुत बार इधर। हाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम ही हमने ये, मैंने भी ये व्यू पहली बार देखा। ये टाइम है इसका भरा हुआ, पूरा टैंक फुल है, पूरा टैंक। तो आगे के लिए ये है कि अगर हमें ये खुला मिल गया तो चीजें पॉजिटिव हैं। हाँ हाँ, आगे खुला रहेगा आगे। आज मुझे लग रहा है वहाँ के गेट भी खुल गए, डैम खुल गया हो गया। दोस्तों ये शुरू हो गया है जंगल श्री सैलम का, अमरावाद टाइगर रिजर्व। आज बहुत भीड़ है आज यार। इधर की सफारी बंद होगी, नहीं तो हमने सफारी में कॉल किया था, उन्होंने कहा कि अब अगले साल शुरू होगी, इस साल के लिए बंद होगी अब। बरसातों से पहले तक है। एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं, लेकिन मार्च से लेके, मेरे ख्याल से मार्च या जनवरी, विंटर से लेके और अभी बरसातों से पहले तक, जून तक है शायद। एक्चुअली वो भी था अपने प्लान में, मगर दिखा नहीं पाएंगे अब तो। मजा आता है उसमें भी। हर मौसम में एक चीज मिलती है, एक चीज खोती है। करेक्ट करेक्ट। गर्मियों में पानी नहीं मिलेगा,
ऐसा मौसम नहीं मिलेगा, रिजर्व मिल जाएगा टाइगर, हाँ, मगर उसका एक्सेस मिल जाएगा, तो उसके लिए अगली बार आएंगे हम। ठीक है, इसकी वजह से जगह का क्रेज ही बना रहता है, ये तो है। हर बारी एक ही बारी में आगे पूरा कर दिया तो मजा भी नहीं आता, अगली बार आने के लिए कुछ ना कुछ रहना चाहिए। दोस्तों ये लेफ्ट रोड जाती है मलेला तीर्थम वाटरफॉल की तरफ, और हैवी रेन्स की वजह से ये जंगल का रास्ता बंद है, इसलिए वाटरफॉल का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। तो पहले हमारा प्लान ये था कि हम वाटरफॉल दिखाते हुए श्रीशैलम जाते, लेकिन चलो अभी तो चलते हैं श्रीशैलम, मिलते हैं आपको श्रीशैलम में। दोस्तों हम पहुंच गए श्रीशैलम, और हमारे साथ हमारा दोस्त है, बचपन का दोस्त संदीप। अभी हम लोग हैं लेफ्ट बैंक हाइड्रो प्रोजेक्ट श्रीशैलम, और अभी हम जा रहे हैं श्रीशैलम हाइड्रो प्रोजेक्ट में। और साथ में ये भी बता देते हैं कि हम हैं इस समय कृष्णा नदी के इस तरफ, जो है तेलंगाना स्टेट, और हम उसी तरफ से शायद डैम में जाएंगे। नहीं, तेलंगाना में ही पड़ता है ये डैम एक्चुअली। यहाँ पे क्या है, दो डैम है, एक है लेफ्ट बैंक और एक है राइट बैंक। अच्छा, लेफ्ट बैंक इज इन तेलंगाना स्टेट एंड राइट बैंक इज इन आंध्रा। अच्छा, सो वी आर गोइंग टू TSGen। दोस्तों हम पहुंच गए श्रीशैलम डैम। क्या व्यू है यार, ये व्यू कभी नहीं मिलने का, ये सिर्फ बरसातों में कभी एक दो दिन मिलेगा बस ये व्यू। और इस समय सारे गेट्स खुले हैं संदीप भाई? 12 में से 10 गेट खुले हैं। एक्चुअली फर्स्ट वाला इसलिए नहीं खोलते क्योंकि एपी जेनको में पानी जाता है और 12वां गेट खराब हो रहा है। अच्छा, पूरा जाम है भाई। एक्चुअली क्या, दो दिन की छुट्टी है ना सबकी, सैटरडे संडे, सब आ गए, सेकंड सैटरडे उसकी छुट्टी है। पानी देखना कितना ऊपर जा रहा है, पानी की बूंदें देखो यार। अरे बारिश भी तो हो रही है, अच्छा ये बारिश नहीं है, बारिश नहीं है, पानी है। What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. दोस्तों हम हैं अभी श्रीशैलम डैम के ऊपर, और चलो आपको दिखाते हैं आगे से डैम का व्यू। इस तरफ है दोस्तों रिजर्वायर, और ये है गेट्स, हम हैं गेट्स के ऊपर। दोस्तों हमने TSGen को गेस्ट हाउस लिया है, और हम आए हैं अपने भाई, अपने बचपन के दोस्त संदीप के यहाँ। पूरी साइट सीइंग कर लिए, डैम अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह से देखी, आज अपनी किस्मत भी अच्छी रही, पूरे गेट खुले हुए आज। तो दोस्तों ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।